नमस्कार दोस्तों, इंडियन रेल मुसाफिर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की जो ट्रेन जानकारी है वो है अजीमगंज हावड़ा कवि गुरु एक्सप्रेस ट्रेन के बारे में, जो कि डेली ट्रेन है, हफ्ते के सातों दिन चलती है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएँ ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज की जो ट्रेन जानकारी है वो है अजीमगंज हावड़ा कवि गुरु एक्सप्रेस ट्रेन। ये जो ट्रेन है अपने अपडेटेड टाइम टेबल और टिकट किराए के साथ चल रही है, तो सभी चीज़ों को इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इसका ट्रेन नंबर है 13028 अजीमगंज जंक्शन पश्चिम बंगाल से। ये ट्रेन जो है हर रोज़ चलती है हावड़ा जंक्शन के लिए, और अजीमगंज जंक्शन से हावड़ा जंक्शन की जो दूरी है 5 घंटे 50 मिनट में कवर करती है। टोटल 11 स्टेशन है, 280 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है। एवरेज स्पीड इस रूट पर 48 किलोमीटर पर आवर है। मेल एक्सप्रेस टाइप की ट्रेन है। ईस्टर्न रेलवे जोन जो है ऑपरेट करता है। ICF कोचेस वाली ट्रेन है। स्लीपर क्लास और जनरल डिब्बे होते हैं इसमें ट्रेन में। तो इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आगे बात करते हैं अजीमगंज हावड़ा कवि गुरु एक्सप्रेस के टिकट किराए के बारे में। तो मैं जो अभी आपको टिकट किराया बताऊंगा वो इस कवि गुरु एक्सप्रेस का अजीमगंज जंक्शन से हावड़ा जंक्शन तक का बताऊंगा। बाकी आप अपडेटेड और सही किराया जो है रेलवे की वेबसाइट या टिकट काउंटर पर जाके जरूर कंफर्म करें। जनरल डिब्बों का किराया वैसे रेलवे टिकट काउंटर से ही कंफर्म होता है। तो अगर बात करें स्लीपर क्लास के बारे में, तो स्लीपर क्लास के इसमें तकरीबन 3 कोच हैं जिसका टिकट किराया जो है 195 रुपये है, जिसमें बेस फेयर है 175 रुपये, रिजर्वेशन चार्ज है 20 रुपये, टोटल चार्जेस जो है 195 रुपये हैं। इसमें कोई, ये मेल एक्सप्रेस टाइप की ट्रेन है तो इसमें कोई GST चार्ज जो है नहीं जोड़ा जाता। बाकी जनरल डिब्बों के तकरीबन इस ट्रेन में 7 कोचेस हैं, जिसमें अगर आपने जाना है तो अजीमगंज जंक्शन से हावड़ा जंक्शन तक का किराया बनेगा तकरीबन 105 रुपये। ये अपडेटेड और सही किराया है, फिर भी आप रेलवे की वेबसाइट या टिकट काउंटर पर जाके जरूर कंफर्म करें, वहाँ से आपको सही किराया जो है कंफर्म हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आगे बात करते हैं अजीमगंज जंक्शन से हावड़ा जंक्शन तक चलने वाली कवि गुरु एक्सप्रेस के टाइम टेबल के बारे में। ये जो ट्रेन है कवि गुरु एक्सप्रेस ट्रेन जो है अजीमगंज जंक्शन से रोजाना चलती है हावड़ा जंक्शन के लिए, और अजीमगंज जंक्शन से हावड़ा की जो दूरी है 5 घंटे 50 मिनट में कवर करती है। अजीमगंज जंक्शन से रोजाना ये ट्रेन जो है सुबह 8:05 पर 1 नंबर प्लेटफॉर्म से रवाना होती है, और इसके तकरीबन 11 स्टेशन हैं, 280 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है। एवरेज स्पीड इस रूट पर 48 किलोमीटर पर आवर है। मेल एक्सप्रेस टाइप की ट्रेन है। जो दूसरा स्टेशन इस ट्रेन का है वो है सागर दिघी रेलवे स्टेशन पर। यह ट्रेन जो है सुबह 8:25 पर पहुँचती है और 8:26 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 1 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। 18 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होती है। इसके बाद ये ट्रेन जो है मोरग्राम रेलवे स्टेशन पर पहुँचती है सुबह 8:34 पर, और 8:35 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 1 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। 26 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होती है। इसके बाद ये ट्रेन जो है नलहटी जंक्शन में पहुंचती है। नलहटी जंक्शन में ट्रेन जो है सुबह 8:55 पर पहुंचती है और 8:57 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, एक वन बी ट्रेन के साथ इसकी 1B प्लेटफॉर्म पर आकर रुकती है, और 45 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होती है। इसके बाद रामपुर हाट जंक्शन में ये ट्रेन जो है सुबह 9:15 पर पहुँचती है और 9:17 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। 60 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होती है। सैंथिया जंक्शन पश्चिम बंगाल में सुबह 9:40 के करीब पहुँचती है और 9:40 पर ही वहाँ से रवाना हो जाती है। 1 मिनट का स्टॉप है, 4 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। तकरीबन 87 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होती है। अहमदपुर जंक्शन में यह ट्रेन जो है सुबह 9:52 पर पहुँचती है और 9:53 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 1 मिनट का स्टॉप है, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। 100 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होती है। इसके बाद कवि गुरु एक्सप्रेस ट्रेन जो है भोलपुर शांति निकेतन में पहुँचती है। यहाँ पर ट्रेन जो है सुबह 10:10 पर पहुँचती है और 10:12 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। 120 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होती है। यहाँ पर डेली वर्धमान रामपुर हाट मेमू स्पेशल ट्रेन के साथ इसकी क्रॉसिंग होती है। इसके बाद ये ट्रेन जो है वर्धमान जंक्शन में पहुंचती है। यहाँ पर ट्रेन जो है सुबह 11:37 पर पहुंचती है और 2 मिनट बाद वहाँ से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 5 या 6 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। 171 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होती है। बंडेल जंक्शन पश्चिम बंगाल में दोपहर के 12:50 पर पहुंचती है और 12:52 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 5 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। 240 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होती है। इसके बाद अजीमगंज हावड़ा कवि गुरु एक्सप्रेस ट्रेन जो है फाइनली अपने आखिरी स्टेशन हावड़ा जंक्शन पश्चिम बंगाल में पहुँचती है दोपहर के 1:55 पर,
और एक नंबर प्लेटफॉर्म पे जाके अपनी यात्रा जो है समाप्त कर लेती है। यहाँ तक कि जो दूरी है 277 किलोमीटर के करीब ये ट्रेन कवर कर चुकी होती है। दोस्तों इसी के साथ अजीमगंज हावड़ा कवि गुरु एक्सप्रेस की वीडियो जो है समाप्त होती है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो कमेंट करके जरूर बताएं, या अगर आप चाहते हैं किसी तरह की अन्य वीडियोस बनाता रहूं तो भी कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो। इस तरह चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद।